गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान विषय एनसीईआरटी। जीव विज्ञान में हमारा पहला अध्याय हो चुका है, दूसरा अध्याय के भी कुछ हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अध्याय के अंदर लघु बीजाणु जनन, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरम जीनेसिस। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। जो लघु बीजाणु बनता है वो लघु बीजाणु जनन के द्वारा बनता है। लघु बीजाणु को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं या परागकण कहते हैं, ठीक है, जो कि एक नर युग्मक होता है जो कि परागण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या प्रजनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि पराग कोष के अंदर हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती है। ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती है ये स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि ये मोटी हो जाती है, इनका केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, इनके जीवद्रव्य जो होता है वो गाढ़ा होता है, इसलिए ये कोशिका स्पष्ट दिखाई देती है। हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो कि पराग कोष के एक स्तर के बाहर एक स्तर के अंदर होती है, इनको आर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। अब आर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं जो होती है ये परिणत विभाजन करती है। क्या करती है? परिणत विभाजन यानी डिवाइड होती है। डिवाइड होकर अंदर की तरफ ये क्या बनाती है? प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, और बाहर की तरफ बनाती है पेराइटल कोशिकाएं, ठीक है। बाहर की तरफ पेराइटल कोशिका, और पेराइटल कोशिका का तो हमने देख लिया कि ये 3 से 5 विभाजन करती है, और 3 से 5 विभाजन करके पराग कोष को बनाती है, उसकी संरचना बनाती है, ठीक है। उसमें एंडोथीशियम एपिडर्मिस एंडोथीशियम बनाती है, एंडोथीशियम के बाद में एपिडर्म है, ठीक है, मिडिल लेयर है, ये बनाती है कौन? पेराइटल कोशिका। उसके बाद जो अंदर की तरफ है प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, ये एकमात्र लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है, और करने के बाद 2 से 3 विभाजन करती है। क्या करती है? 2 से 3 विभाजन करती है और अनगिनत लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। अनगिनत लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है? क्रियाशील लघु बीजाणु कोशा, ये जो एक इससे क्या बनती है? क्रियाशील लघु बीजाणु कोशा, और ये क्रियाशील लघु बीजाणु कोशा जो होती है ये क्या होती है? द्विगुणित होती है। ये द्विगुणित होती है किंतु ये अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये क्या करती है? 4 लघु बीजाणु बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? 4 लघु बीजाणु। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पोलन मदर सेल है, ठीक है, पोलन मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका जिसको कहते हैं, ठीक है, पोलन मदर सेल है। ये पोलन मदर सेल क्या करती है? ये डिवाइड हो रही है, यहाँ पर विभाजन हो रहा है इसका पराग मात्र कोशिका का, ठीक है। यहाँ पर विभाजन हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। इस प्रकार से उसका विभाजन होता है, पराग चतुष्क के द्वारा बताया गया है कि कैसे विभाजन होता है। ये 4 न्यूक्लियस बन गए, ये 1, 2, 3 है, फिर ये 4 बने, और इस प्रकार से डिवाइड होकर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये 4 पराग कण बना लिए एक मदर सेल ने, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा ना हमने 4 लघु बीजाणु बनाती, मतलब ये 4, 1, 2, 3, 4 बन गए, किससे? एक से, ठीक है, एक थी, 4 पराग कण बन गए। ये 4 पराग कण में से हमने एक पराग कण को बाहर निकाल लिया। ये बाहर, ये जो पराग कण है उसकी संरचना देखिए, इसमें क्या होता है? एक्सिन होता है, इसका बाहरी सतह होती है जिसको एक्सिन कहते हैं, इंटाइन अंदर की सतह होती है द्विझिल्ली युक्त। उसके बाद में न्यूक्लियस होता है जो बीच में केंद्रक पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है जीवद्रव्य भरा हुआ होता है इसके अंदर, और जर्म पोर होते हैं जो कि इस प्रकार हाथ के द्वारा आपको बताएंगे। इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन के अंदर जो है, लघु बीजाणु जनन के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं, यानी पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन यानी आपके पराग कण बनते हैं, ठीक है, और यही पराग कण जो होते हैं, आपको पता है कि पराग कण किसमें भाग लेते हैं? प्रजनन की प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये पराग कण यहाँ पर इस प्रकार से पराग कोष के अंदर बनते हैं, ठीक है। हमने देखा किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, किस प्रकार एक पोलन मदर सेल 4 पराग कण का निर्माण करती है, ठीक। आगे और देखते हैं। अब हमने देखा था लघु बीजाणु के जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण हो गया, पराग कण का निर्माण हो गया। अब वो पराग कण क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, किससे? पराग कोष से। तो पराग कोष से जब पराग कण बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पराग कोष का स्फुटन, मतलब पराग कोष का स्फुटन होता है,
जिसके द्वारा परागकण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो परागकण का स्फुटन कैसे होता है, सबसे पहले हमने देखा था कि जो पहले स्तर जो होते हैं कौन कौन से आपके, सिर्फ दो स्तर बच जाते हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। उसके पहले के जो होते हैं मध्य स्तर और आपका टेपिटम, ये तो क्या हो जाता है, पहले ही नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, मध्य स्तर और टेपिटम, ये तो क्या हो जाते हैं, पहले ही नष्ट हो जाते हैं। बसता आपके पास क्या है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, ये दो चीजें बच जाती है, ठीक है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। अब एपिडर्मिस और एंडोथीशियम बच जाती है, और यूं तो जनरली जो स्फुटन होता है वो किसके कारण होता है, अनुदैर्ध्य दरारों के कारण। क्या होता है, अनुदैर्ध्य दरारें पड़ जाती है, इससे भी होता है, या अग्र दरारें, अनुदैर्ध्य दरारें, अग्र दरारें, या छिद्रों के बनने, छिद्रों के बनने के कारण। ये तीन कारण होते हैं जिनके द्वारा जो है या तो अनुदैर्ध्य दरारें बनती है, अग्र दरारें या छिद्रों के बनने के कारण भी स्फुटन होता है परागकोष का। तो ये स्तर तो दोनों खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बचा ये स्तर। इस स्तर के अंदर क्या होता है कि जो एंडोथीशियम होता है, जब परिपक्व हो जाता है परागकोष, तब एंडोथीशियम से पानी का क्या हो जाता है, ह्रास। यहां से पानी क्या हो जाता है, पानी का जो होता है ह्रास हो जाता है, ठीक है, पानी चले जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण इसके बाहर की जो परत है वो सिकुड़ जाती है। वो क्या करती है, अंदर की तरफ दबाव डालती है। जब अंदर की तरफ दबाव डालती है तो स्टोमियम की कोशिका के ऊपर दबाव पड़ता है, स्टोमियम पर दबाव पड़ता है। स्टोमियम क्या होता है, जो एंडोथीशियम जो लेयर होती है उसमें स्टोमियम होता है, जो कि सकरा स्थान होता है, ठीक है, वहां पर दबाव पड़ता है। अंदर बाहर की जो पतली झिल्ली वो अंदर की तरफ दबाव डालती है, जिससे स्टोमियम से क्या हो जाता है, जिससे स्टोमियम क्या हो जाता है, फट जाता है, और वहां से फिर परागकण बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से परागकोष का स्फुटन हो जाता है, परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से परागकोष का स्फुटन होता है, ठीक है, और परागकण बाहर निकलते हैं। और आगे देखते हैं, हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स, यानी नर युग्मकोशिका का विकास। तो जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से होने लग जाता है, जब पराग कोष से वो बाहर निकलता है तभी से उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है। डेवलपमेंट होने के बाद पराग कोष से उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है, वहां से बाहर निकलते ही, और उस समय क्या होता है कि जो केंद्रक न्यूक्लियस है वो कहाँ पर आने लगता है, परिधि की तरफ आने लगता है, नीचे आने लगता है, ठीक है, आपको यहाँ से नीचे आ गया, परिधि की तरफ आने लगता है। और परिधि की तरफ आने के बाद ये दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, दो न्यूक्लियस में आपको दिखाई दे रहा है, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, ये दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। फिर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य ये यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने के बाद ये क्या हो जाता है, जनरेटिव सेल्स में बदल जाता है, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस से जनरेटिव सेल्स में बदल जाता है, जनरेटिव सेल्स क्या करती है, फिर यहाँ तक का जो जनरेटिव सेल्स जो है दो न्यूक्लियस में बदल जाती है, ठीक है, बाद में ये जो इसका विकास है वो वर्तिकाग्र पर इसका अंकुरण होता है परागकण का। यहाँ तक तो ये जो है स्फुटन के बाद होने लगता है, स्फुटन के बाद होता है, लेकिन इसके बाद अंकुरण का काम कहाँ पर होता है, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर जाने के बाद जो जर्म पोर्स है यानी इंटाइन और एक्साइन की कहीं की सतह से ही, कोई सी सतह से, कहीं से भी, ठीक है, ये इंटाइन एक्साइन की कोई सी सतह से ही जर्म पोर्स से द्वारा ये बाहर निकलने लगता है, कौन, पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब क्या निकलती है बाहर, पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ती जाती है, पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ती जाती है, और पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ने के साथ साथ दो गैमेट्स बन जाते हैं, जो जनरेटिव सेल्स है वो दो गैमेट्स का निर्माण कर देती है।
यहाँ पर दो गैमेट्स बन गए, 1 2, और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। कुछ समय बाद ट्यूब न्यूक्लियस तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये तो नष्ट हो जाता है, बच जाते हैं हमारे पास दो गैमेट्स। अब ये जो वर्तिकाग्र पर क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब की लंबाई वर्तिकाग्र के स्टाइल के साथ साथ क्या होगी, वर्तिका जो है वर्तिकाग्र की स्टाइल के साथ इसकी भी लंबाई बढ़ती जाएगी, और बढ़ते 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 ये कहाँ चले जाएगा, बीजाण में चले जाएगा, और वहाँ पर फिर निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर आवृत बीजों में कितने नर युग्मक बन रहे हैं, दो नर युग्मक बन रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी जब से शुरू वाला फर्स्ट वाला लेक्चर हमने इसका देखा था, इस चैप्टर का, वहाँ पर हमने पूरा जीवन चक्र देखा था, वहाँ पर हम देख रहे थे नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर पराकण से दो नर युग्मक बन गए। ठीक है, ये दो नर युग्मक, ये तो आगे जाके नष्ट हो जाता है, और ये इस ट्यूब पोलन ट्यूब की लंबाई जो है स्टाइल के साथ साथ बढ़ती जाती है, स्टाइल यानी पौधे का भाग। ठीक है, वर्तिकाग्र के नीचे आपने देखा था ना, तो वर्तिका जो स्टाइल के साथ साथ इसकी भी लंबाई पोलन ट्यूब की बढ़ती जाती है, और ये कहाँ चले जाता है, बीजाणु के अंदर, और फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से नर युग्मक का विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है, और वर्तिकाग्र के पहले भी हो जाता है। अंकुरण का काम जो होता है वो वर्तिकाग्र पर होता है, उसके पहले उसका डेवलपमेंट, जब स्पुटर होता है तब से ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने ये चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में जो है आज हमने क्या क्या पढ़ा, लघु बीजाणु जनन पढ़ा, उसके बाद में हमने उसका स्फुटन पढ़ा, प्राकोष का स्फुटन पढ़ा, और नर युग्मक का विकास पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, ये हमने तीन चीज़ें पढ़ी। ठीक है, आज इतना ही हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और इसके आगे और फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।